मेरे यूट्यूब चैनल के सभी भाई बहनों को सादर जय जैन धर्म अनुयायियों को दस लक्षण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आज मैं आप सब भाई बहनों को जिनवाणी पुस्तक से लिया हुआ बारह भावना श्लोक सुना रही हूँ और उसका अर्थ भी समझाऊंगी कहीं मुझसे भूल हो जाए तो मैं आप सभी भाई बहनों से क्षमा मांगती हूँ सुनिए और शुद्ध भावना के साथ हृदय में धारण कीजिए धन्यवाद राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार हो भक्तों अपनी अपनी बार राजा हो राणा हो चाहे छत्रपति हो चाहे हाथी उनके घर में बंधे हो चाहे हाथी की सवारी करते हो सभी को एक दिन अपनी अपनी बारी में मरना होता है अर्थात संसार की सभी विद्यमान चीज़ें नाशवान हैं यौवन मकान धन दौलत पशु परिवारजन सभी क्षण हैं जो जन्मा है उसकी मृत्यु अटल है दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को, को ना राखन हार हो भक्तों को ना राखन हार देवी मना लो देवता मना लो चाहे माता पिता हो चाहे जितनी बड़ी फौज खड़ी कर लो अगर जीव को मरते समय बचाने वाला कोई नहीं होता है अर्थात कोई भी जीव अन्य जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं है इस संसार में जीव को कोई भी शरण नहीं देता है हम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वशु कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान हो भो सब जग देखो छान इस संसार में कहीं सुख नहीं है सभी जीव दुखी हैं पैसे के बिना निर्धन दुखी है तृष्णा के बिना धनवान दुखी है उसका कभी धन से मन नहीं भरता है अर्थात ये संसार आसार है जिसमें जरा भी सुख नहीं है आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो यूँ कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोय हो भ साथी सगा न को अर्थात संसार में जीव अकेला जन्म लेता है और मरने पर भी अकेला रहता है इस जीव का कोई भी साथी संबंधी नहीं है अर्थात हर जीव अपने कर्मों के फल अकेला भोकता है इसमें कोई अन्य मदद नहीं कर सकता है जहाँ दे है अपनी नहीं तहा न अपनों को घर संपत्ति पर प्रगट ये है परिजन के लोग हो भक्तों है परिजन के लोग इस संसार में कोई भी अपना नहीं है ये शरीर भी अपना नहीं है मकान धन संपत्ति परिवारजन आदि अपने नहीं हैं दूसरे हैं अर्थात जब शरीर ही अपना नहीं हो सकता है तो धन संपत्ति परिवारजन अपने कैसे हो सकते हैं दीपे चाम चादर मरी हार पिंजरा दे भीतरिया सम जगत में और नहीं घिन गे हो भक्तों और नहीं घिन गे हैं मास की देह रूपी पिंजरा पर चमड़े की चादर मढ़ी हुई है इस देह के भीतर ऐसा घृणित पदार्थ है जैसा संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है अर्थात जिस शरीर में हाड़ मांस रक्त मल मूत्र आदि भरा हुआ है ऐसे शरीर में राग मोह कैसे किया जा सकता है मोह नींद के जोर से में सदा कर्म चोर लूटे सुध नहीं नींद अधिकता के कारण जीव संसार में सदा घूमता रहता है और कर्म रूपी चोर चारों ओर से सरबत उसको लूटते हैं मगर जीव को इसकी खबर नहीं होती है अर्थात कर्मों का आश्रव ही दुख का मूल कारण है इससे बचना चाहिए सतगुरु दे जगाए मोह नींद उपशमय तब कछु नहीं उपाय कर्म चोर आवत रुके मोह रूपी नींद जब मंद होता है तब सद्गुरु के उपदेश से कुछ उपाय करने पर कर्म रूपी चोरों का आना रुक जाता है अर्थात कर्मों का रुकना संवर है संवर से संसार सागर का पार किया जा सकता है ज्ञान दीप तप तेल भर धर शोध है ब्रह्म छोर या विधभ बिन से नहीं बैठे पूरब चोर हो भो बैठे पूरब चोर ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भर कर सभी भ्रमों को छोड़कर घर का शोधन करे इस विधि से बिना पूर्व में बैठे चोर कर्म कभी नहीं निकल निकलेंगे पंच महाव्रत संचरण समित पंच परकार प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार सार हो भक्तों धार सार पंच महाव्रत व पंच समित के पालन से और पांच प्रबल इंद्रियों पर विजय से कर्मों का खपाना ही निर्जरा है अर्थात ज्ञान और चरित्र को धारण करने से कर्मों की निर्जरा होती है चौदह राजू तंग नभ लोक पुरुष संथान ताम जीव अनादिते भरमत है विष ज्ञान उभ भक्तों भरमत है बिन ज्ञान चौदह राजू मुचा नभ लोक पुरुष आकार का है जिसमें जीव बिना ज्ञान के अनादिकाल से भटक रहा है धन कन कंचन सुलभ कर जान दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान भक्तों एक जथारथ ज्ञान संसार में धन संपत्ति, सोना राजसुख आदि सब सुलभ है लेकिन सच्चा ज्ञान संसार में कितना दुर्लभ है अर्थात नर काया बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है अतः रत्नत्रय धारण करना चाहिए जाचे गुरु तरु देव सुख रैन, बिन, बिन चिंता धर्म सकल सुख दैन हो भक्तों धर्म सकल सुख दैन कल्प वृष्ट तो मांगने पर ही वस्तु देता है चिंतामणि रत्न के चिंतन करने से सुख मिलता है किन्तु बिना माने और बिना चिंतन किए ही धर्म का सब सुख मिल जाता है धन्यवाद भाइयों बहनों यदि मुझसे बारे भावना का अर्थ समझाने में या बारे भावना के कहीं भी शब्दों में उच्चारण में मुझसे कहीं भूल हुई हो तो मैं आप सभी भाई बहनों से क्षमा चाहती हूँ